अंतर्गत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पाली नगर परिषद में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के काल में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी। वर्तमान सरकार के 4 वर्ष हो गए, इस अंतराल में सैकड़ों सफाई कर्मी सेवानिवृत्त भी हो गए, परंतु नई भर्ती नहीं की गई। वर्तमान में काफ़ी पद रिक्त हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। वाल्मीकि समाज के भाई बहनों हेतु दूसरे विभागों में भी वर्षों पूर्व भर्तियां बंद कर दी एवं वहां सारा काम ठेके पर किया जा रहा है। अब एकमात्र स्थानीय निकाय में ही इनके पद हैं, वहां भी 5 वर्षों में भर्ती की स्वीकृति नहीं देना वाल्मीकि समाज के प्रति अन्याय है। पहले स्वच्छकार पुनर्वास योजना के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान भी दिया जाता था, पर पिछले कई वर्षों में ये योजना भी बंद करे इन्हें ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। निजी क्षेत्रों में भी इन्हें रोजगार बा मुश्किल मिलता है। सफाई कर्मियों की कमी के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन भी प्रभावित होता है। केंद्र सफाई कार्य हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय को प्रतिवर्ष भारी राशि देती है। प्रधानमंत्री जी ने तो इन्हें स्वच्छता सैनिक का नाम दिया है, क्योंकि ये गंदगी को मिटाकर हमें स्वच्छ वातावरण में जीने का सुअवसर देते हैं, नागरिकों को बीमारी से भी बचाते हैं। कोरोना काल में प्रदेश में जिस प्रकार इन स्वच्छता सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें स्वच्छ वातावरण दिया, कोरोना से मृतकों के अंतिम संस्कार करने का काम भी किया, अस्पतालों में भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संभाली, इनके विशाल काम के लिए संपूर्ण समाज इनका ऋणी व आभारी है। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के होने पर भी जिस प्रकार का स्वच्छ वातावरण दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मान दिया, पुरस्कृत भी किया। उन्हें कुर्सी पर बैठाकर खुद नीचे बैठकर उनके पैर धोकर देशवासियों को संदेश दिया कि सफाई कार्य हल्का नहीं, सबसे पवित्र और श्रेष्ठ कार्य है, समाज में इनका स्थान सबसे ऊपर है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की इनके प्रति उदासीनता व अनदेखी इनके साथ अन्याय है। अतः आपसे निवेदन है कि पाली में तत्काल रिक्त पदों की भर्ती की जाए। अन्य विभाग जहां ठेकों से सफाई व्यवस्था की जा रही है, वहां पद निर्धारित कर स्थायी सफाई कर्मी की भर्ती की जाए और वाल्मीकि समाज को ही इस कार्य हेतु अवसर दिया जाए।